अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 140 प्लस इन फिजिक्स। इसके लिए आपको मैं 2-3 आइडियाज़ प्रोवाइड करूंगा, आप उसको बस फॉलो करें तो आप आराम से जो 20 से 22 दिन जो बचे हैं उनमें आप इसी प्लान को एग्जीक्यूट करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा नीट में, ठीक है। और आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स के पोर्शन में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम, पहला जो आपको करना है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अच्छा खासा ध्यान देना है आपको। मैं बार बार शुरू से ही ये बात रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर। मैंने जितना क्वेश्चन आपको करवाया भी हूँ उसमें भी आपको मैं बताया हूँ कि ये क्वेश्चन 5 बार, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, एक ही पैटर्न क्वेश्चन 12 बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मेरा जैसा मानना है कि 25 क्वेश्चन लगभग फिजिक्स में आपको किसी न किसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे। 25 क्वेश्चन, आई एम सेइंग यू 25 मींस 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चन आपके किसी न किसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे। आइदर फार्मूला, पिछले साल यदि मान लीजिए उस चीज़ का फार्मूला पूछा गया था तो इस बार उस चीज़ पर डाटा देकर आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेग्लेक्ट ना करें, टाइम निकालें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें। आप उसको कैसे करने का जो प्लानिंग है वो आप सुनिएगा। आप क्या कीजिए, डेली आप 4 चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। डेली पर डे यू हैव टू सेलेक्ट 4 चैप्टर। 4 चैप्टर सेलेक्ट करने का क्या करना है आपको, सबसे पहले उसका थ्योरी एक बार पढ़िए आप, ठीक है। कहाँ से पढ़ेंगे आप, नोट्स होगा आपके पास या कोई भी बुक होगा, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल होगा या आपका स्टडी मटेरियल होगा। तो आप 4 चैप्टर डेली रखिए, उसका थ्योरी पढ़िए। थ्योरी में ज़्यादा टाइम देना आपको, मान लीजिए थ्योरी में आपको 4 चैप्टर पढ़ने में 3 से 4 घंटे देना है, ठीक है। पर चैप्टर 1 आवर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर साइज, ठीक है। तो पहला काम वही करना आपको, 4 चैप्टर सेलेक्ट कीजिए डेली, मतलब ठान लीजिए कि करना ही है, किसी तरह कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमको वो 4 चैप्टर कंप्लीट करके उठना है आज। और उसका थ्योरी कीजिए। थ्योरी करने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसी चैप्टर के 4 चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। 10 मतलब ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए हम मॉडर्न मतलब ग्रेविटेशन रोटेशन मैग्नेटिज्म करंट का आज कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन ग्रेविटेशन लगाइए, फिर 10 क्वेश्चन रोटेशन लगाइए, फिर 10 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म लगाइए, फिर 10 क्वेश्चन करंट लगाइए, फिर जाइए रोटेशन पर, फिर आइए इस पर। ऐसा नहीं करना है कि आपको रेगुलर सिर्फ ग्रेविटेशन का ही लगाना है 50 क्वेश्चन, नहीं, 10 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इससे, 10 क्वेश्चन इससे, 10 क्वेश्चन इससे, 10 क्वेश्चन सर, फिर इससे, फिर इससे, इससे, तो मिक्स वे में करना है आपको, ठीक है। मिक्स वे में करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप एक समय पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम में, ठीक है। एक तरह का क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको लगभग लगता है कि यार यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, तो आप उस समय कहिएगा तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो 4 चैप्टर का पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उन 4 चैप्टर पर क्वेश्चन लगाइए, फिर नेक्स्ट दिन जाइए, फिर 4 चैप्टर उठाइए, फिर उस 4 चैप्टर फिजिक्स के थ्योरी पढ़िए नोट्स या अपने बुक से, और फिर उस पर क्वेश्चन कीजिए। ये आपको अगले 20 दिनों तक करना है। तो आपको यदि ये प्लान आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं, यदि पूरा कर पाते हैं, तो आप इस प्लान के तहत अगले 20 दिन में अपने पूरे फिजिक्स को आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, वो भी अच्छे से, यदि आप मेहनत करके करते हैं तो, सच्चे ईमानदारी से के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कुछ चैप्टर्स है फिजिक्स पर जिस पर आपको खासा स्ट्रेस देना है, वो है आपका पहला मॉडर्न फिजिक्स। क्यों मॉडर्न फिजिक्स में बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया हूँ फिजिक्स पेपर 2017 एनालिसिस, या उससे पहले भी एक अपलोड किया हूँ मैं वीडियो कि किस ईयर में कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आए, उससे भी आपको आइडिया मिल सकता है कि मॉडर्न फिजिक्स से एट ए रेगुलर 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, हीट से एट ए रेगुलर 5 to 6, हीट में मेरा पूरा आ गया, थर्मोडाइनमिक्स हो, KTG हो, हीट ट्रांसफर हो, थर्मल एक्सपेंशन, सब कुछ आ गया, ठीक है। सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट से, और बहुत सिंपल होते हैं सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट। और सेमीकंडक्टर आप जरूर, मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ रिवीजन का, उसमें भी देख सकते हैं आप, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ऑप्टिक्स, इस ऑप्टिक्स में मैं रे और वेव दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों मिलाकर आपको कम से कम 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वेव पूरा वेव, और उसमें ऑर्गन पाइप आ जाएगा आपका, डॉपलर इफेक्ट आएगा, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव आएगा, दोनों मिलाकर कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 5 10 13 17 3 20 20 क्वेश्चन के लगभग आपको मात्र यही 5 चैप्टर दे सकते हैं, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको इस 5 चैप्टर से मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, टारगेट रखिए कि इन जो 5 चैप्टर हैं, इन 5 चैप्टर को हम 3 बार रिवाइज करेंगे, कम से कम 20 अगले 20 से 22 दिनों में हम इन 5 चैप्टर को कम से कम 3 बार रिवाइज करें, ठीक है। फिर आइए, फिर आते हैं सेकंड वाले में, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आता है, वो भी फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। रोटेशन से 3 क्वेश्चन आएगा, हाँ मानता हूँ कि 1 क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। मैग्नेटिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन, करंट से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन चैप्टर करने के बाद आप टारगेट रखिए कि जो ये चैप्टर्स है इनको कम से कम 2 बार रिवाइज करें, बात समझ में आ रहा है।
फिर आपको क्या करना है, एक टारगेट जो रखना है, फॉर्मूला रिवीजन। दिन भर में आप कम से कम सेट कीजिए, पर डे आपको 30 मिनट्स से लेकर आपके पास जैसा टाइम बचता है 1 आवर, 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको कहाँ देना है, सिर्फ फार्मूला रिवीजन पर। क्या कीजिए, आप सुबह उठिए, देखिए चैप्टर तो 4 ही करने हैं उस दिन आपको, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस 4 ही चैप्टर के करने पर डे, लेकिन उसके साथ एडिशनल क्या करना है आपको, उठना है डेली 30 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा से आधा घंटा देना आपको क्या, फार्मूला रिवीजन पर। क्या कीजिए आप 10 चैप्टर उठाइए और 10 चैप्टर के बाद सिर्फ फॉर्मूला, आपको कुछ उसके कंसेप्ट नहीं करने हैं, कुछ भी उसके थ्योरी नहीं पढ़ने हैं और कुछ भी उसके क्वेश्चन नहीं लगाने हैं आपको उस दिन। बस 10 चैप्टर उठाइए, 10 चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो अपने कॉपी पर लिख के 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बस लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि आप पढ़ रहे हैं तो लगता है कि हाँ ये तो याद ही है मुझे, लेकिन ये काफ़ी बाद में नुकसानदायक साबित होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उसको जो 10 चैप्टर का फॉर्मूला है उसको लिखिए अच्छे से, 2-2 बार लिखिए आधे घंटे में या 1 घंटे जो भी लगे आपको, और 10 चैप्टर एटलीस्ट 1 डे फॉर्मूला एक बार उसका रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो 20 से 22 दिन बचे हैं अपने, उस 20 से 22 दिन में आप कम से कम फॉर्मूला को 10 बार रिवाइज कर पाएंगे, पूरे चैप्टर के फॉर्मूला को 10 बार रिवाइज कर लेंगे, और 10 बार यदि आप फॉर्मूला भी याद करके जाते हैं ना नीट में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100+ तो कन्फर्म आएगा। यदि आप सिर्फ फॉर्मूला भी पढ़ के जाते हैं तो 100+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उस फॉर्मूला का क्या एप्लीकेशन है, उस फॉर्मूला में जो जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उनको किस यूनिट में रखना है, क्या रखना है, ये आप बस ध्यान से देख के जाइए, यानी कि फॉर्मूला का पूरा एनालिसिस करके जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता 100+ से लाने में। फिजिक्स में 100+ यहीं अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा आपके लिए, बात समझ में ना। तो फिजिक्स में आप आसानी से 140+ स्कोर कर सकते हैं, आप इस कंसेप्ट को एक बार एग्जीक्यूट करें अपने प्लानिंग में और अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पर खासा इम्फेसिस देते हुए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए फिजिक्स को, ठीक है, तो आपको हेल्पफुल होगा। आगे मैं बायो और केमिस्ट्री के लिए भी कल अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी रखना आगे जो अगले कुछ दिनों के लिए 20-22 दिनों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।